व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं नील। आपका स्वागत है आपके फेवरेट फिटनेस चैनल नील फिटनेस वीएनएस पे। और आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सीरियस वन, बिकॉज हाल ही में मैं WHO का रिपोर्ट्स पढ़ रहा था रिलेटेड टू डायबिटीज़ एंड वी आर रैंक्ड नंबर वन ऑन इट। आई विल डिस्प्ले इट राइट ओवर हियर, यू कैन चेक इट। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग डिजीज़ है हम लोगों की कंट्री में, एंड मोस्ट ऑफ़ द इंडिविजुअल्स आर अफेक्टेड अराउंड अस। हम लोग के एल्डर्स खास करके बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ से अफेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक लोग बोलते हैं कि मुझे चीनी की बीमारी है, आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, बट किसी को एक्चुअली में पता ही नहीं है कि डायबिटीज़ में होता क्या है। क्या सिर्फ चीनी ना खाने से, क्या सिर्फ मिठाई अवॉइड करने से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, या दवाई पर टोटली डिपेंडेंट हो जाने से आप डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं। सो आज इसी पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट इवन हैविंग मेडिसिन। एंड ऑल्सो कि हम लोग सबसे ज़रूरी ये जानना है कि डायबिटीज़ होता क्या है। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन आइकन, सो दैट आप जब भी मेरा कोई नया वीडियो हो आपको उससे नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, मेरा फेसबुक पेज लाइक करें, ताकि मैं और भी इन सब चीज़ों से रिलेटेड इन्फो आपको कंटिन्यूसली देता रह सकूं। और इस वीडियो को हैशटैग मिशन फिट नेशन से ज़रूर शेयर करें अगर आप इस पसंद करें तो, ताकि जितने भी लोग डायबिटीज़ से पीड़ित है वो इससे इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सके और एटलीस्ट इसके बारे में जान सके कि डायबिटीज़ एक्चुअली में होता क्या है, जो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो सबसे पहले जो हम लोगों का क्वेश्चन है कि डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्या है, शायद बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि डायबिटीज़ होता क्या है। आप गए, आपने ब्लड टेस्ट करवाया, आपको सर्टेन रेंज बता दी गई, आपके रिपोर्ट्स आए एंड यू आर डायबिटिक, बट क्या आपको पता है कि डायबिटीज़ एक्चुअली होता क्या है या किस वजह से हम लोगों को डायबिटीज़ होता है? तो हम लोग इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। सो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि डायबिटीज़ एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर उसकी बात अगर हम लोग करें तो डायबिटीज़ हम लोगों की ऑर्गन होती है बॉडी में कॉल्ड पैनक्रियास, जो कि हम लोगों के एक हार्मोन को रिलीज़ करती है जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलिन। ये एक बहुत ही पावरफुल हार्मोन है हम लोगों की बॉडी में। इंसुलिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हार्मोन्स इन आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि इंसुलिन ही एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग के बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है, हम लोगों के न्यूट्रिएंट्स को हम लोगों के सेल्स में पहुंचने के लिए हेल्प करती है, जिससे कि हम लोग फूड जो इनटेक करते हैं उसको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं। दिस इज़ थ्रू इंसुलिन ओनली। इसीलिए आप लोग अक्सर सुने होंगे कि लोग इंसुलिन की इंजेक्शंस लेते हैं, इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम इज़ व्हाट हैपेंस इन डायबिटीज़ इज़ दैट योर बॉडी इज़ नॉट जनरेटिंग एनफ इंसुलिन। आपकी बॉडी एनफ इंसुलिन जनरेट नहीं कर रही है, आपकी पैनक्रियाज अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। सो व्हाट हैपेंस इज़ आपकी इंसुलिन लेवल डाउन हो चुकी है, जितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए आपकी बॉडी उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, जिस वजह से आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। बट ये प्रॉब्लम है क्या, तो इसको एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग डे एकदम फर्स्ट चीज़ से कि कैसे ये होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सोचिए कि ये आपका ये माउथ है, ठीक है। सो आपने सुबह खाना खाया, ठीक है, जिसमें हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो भी हो आपने खाना खाया। मान लीजिए कि आपने ओट्स खाया, ठीक, तो आपकी बॉडी इसको अपने अंदर ले जाएगी, इसको ब्रेक करेगी इनटू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। आपने जो भी खाना खाया, यू एट फूड, आपने फूड खाया, ये फूड आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स में कन्वर्ट होगी, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कि ये ग्लूकोज में आपकी बॉडी ब्रेक करेगी आपके खाने को। ये ग्लूकोज ही होता है जो कि एनर्जी फॉर्म होती है हम लोगों की बॉडी की। हम लोग की बॉडी में जो एनर्जी होती है वो हम लोग ग्लूकोज के थ्रू पाते हैं। सो वंस द फूड इज़ ब्रोकन इनटू ग्लूकोज, इंसुलिन आपके पैनक्रियास से, ये आपकी पैनक्रिया, यहाँ से इंसुलिन जनरेट होता है। जब ये इंसुलिन जनरेट होगा तो इस ग्लूकोज को वो डिफरेंट सेल्स में ले जाएगा, आपके बॉडी के जितने सेल्स हैं, जितनी ऑर्गन्स हैं, सब में ये ग्लूकोज को ले जाएगा, ताकि क्या हो, आपकी बॉडी
उस सारे न्यूट्रिएंट्स को जो आपने खाने के थ्रू खाए हैं उसको सारे कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके मसल्स में पहुंचा सके और आपके बाकी ऑर्गन्स में पहुंचा सके, सो दैट यू फंक्शन। आपके रोज़ के काम करने के जितनी भी प्रोसेस है, जितना भी जो है, आपको ग्लूकोज के थ्रू ही वो एनर्जी सोर्स मिलता है, जो कि पैनक्रियाज, जैसे ही आप ग्लूकोज अंदर बॉडी ब्रेक करती है, पैनक्रियाज उस ग्लूकोज को सारे बॉडी के सेल्स, जो हम लोग के बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसमें ले जाती है सारे खाने को। सो हम लोग एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो इंसुलिन है हार्मोन, ये एक तरीके का गेटकीपर है। गेटकीपर, जैसे हम लोग के घर में गार्ड्स होते हैं, अगर कोई नया बंदा आया तो उसको हम लोग के घर तक पहुँचाता है, तो उसी तरीके से इंसुलिन सारे खाने को सेल्स में ट्रांसफ़र करता है। और डायबिटीज़ में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने मान लीजिए इतना खाना खाया, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल, आपने इतना खाना खाया, इसको पचाने के लिए आपको मान लीजिए कोई भी यूनिट मान लेते हैं 200 यूनिट्स की ज़रूरत है इंसुलिन की टू डाइजेस्ट दिस फूड, बट योर बॉडी इन दैट केस, आप 200 की जगह सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि 100 या 80 या जो भी हो, इससे कम, ओके, इससे कम जनरेट कर रही है इंसुलिन। तो ये जो आप ग्लूकोज में तो बॉडी ब्रेक कर चुकी है उसको, आपके ब्लड में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूम रहा है वही आपको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि आपकी बॉडी उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। जब आपकी बॉडी उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो यही ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम्स में घूम रही है, जो आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपके ब्लड में डिटेक्ट होती है, जो 240-300 हाई आती है, क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है जितनी ज़रूरत है, आपकी बॉडी वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, जिस वजह से आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे प्रॉब्लम एक्चुअली हो क्या रहा है कि सिंपली मान लीजिए कि आप जितना कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप उसको टोटली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ओके, सो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स हो सकती है इस तरीके से कि वो ऑर्गन्स तक पहली बार सफिशेंटली न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रही है, नंबर वन। सेकेंडली, ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रहने से टॉक्सिसिटी हो सकती है। नंबर थ्री, जो एक्सेस ग्लूकोज है, यही बाद में जाके जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है, वो जाके फैट टिश्यूज़ में जमा हो जाती है। यही एक्सेस ग्लूकोज जाके फैट टिश्यूज़ में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आप मोटे हो जाते हैं। सो देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी, देयर इज़ प्रॉब्लम ऑफ अदर डिजीज़, आपकी किडनी जो है वो प्रोसेस्ड चीज़ की जगह डायरेक्ट ग्लूकोज को जब प्रोसेस करने लगती है, क्योंकि किडनी हम लोगों का फ़िल्टर होता है ब्लड फिल्टर करने के लिए, तो उस समय इसीलिए डायबिटीज़ के दौरान लोगों को किडनी की भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और मैं कुछ प्रॉब्लम्स की बात करता हूँ, क्यों लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ में जब कट जाता है इंसान को हीलिंग फास्ट नहीं होती है, क्यों वुड दे कैन नॉट हील लाइक अदर्स, दिस इज़ द प्रॉब्लम। क्योंकि पूरी तरीके से तो न्यूट्रिएंट्स आपके सेल में पहुँच ही नहीं रहे हैं। अगर न्यूट्रिएंट्स आपके सेल में पूरी तरीके से नहीं पहुँच रहे हैं, तो आप जिस समय आपके बॉडी को डैमेज पहुँचा है, आपको चोट लगी है, तो सारे न्यूट्रिएंट्स न जाने की वजह से आपका वो रिकवरी स्लो हो जाता है। जैसे कि जो एक नॉन डायबिटिक इंडिविजुअल होगा और एक डायबिटिक इंडिविजुअल में यही अंतर है। ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बस आधी अधूरी चीज़ जानना ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि हार्मफुल भी है आपके लिए, क्योंकि आप इसके पीछे का लॉजिक ही नहीं समझेंगे कि आपको डायबिटीज़ हुआ क्यों है, ये डायबिटीज़ में एक्चुअली होता क्या है। सो बेसिकली दिस इज़ द होल प्रोसेस कि आपके डायबिटीज़ में आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। मैं एक समराइज करता हूँ, यू ईट फूड, इट ब्रेक्स डाउन इनटू कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर एंड फैट्स। सिंपल भाषा में बोलूँ तो प्रोटीन और फैट्स को छोड़ दीजिए, तो आपके जितने भी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स है ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। यही ग्लूकोज जब आपके बॉडी में आती है तुरंत, तो पैनक्रियाज इंसुलिन जनरेट करता है, इंसुलिन हार्मोन, जो इंसुलिन हार्मोन सारे सेल्स में फूड को ले जाती है। सारे फूड को जब आप ले जाती है आपके सेल्स में, आपके ऑर्गन्स में, और जो एक्सेसिव बचता है वो चला जाता है फैट टिश्यूज़ में, और जो उसके बाद भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तब आती है असली प्रॉब्लम, क्योंकि ये सारे आपके ब्लड स्ट्रीम में रह जाती है। और साथ ही साथ, जैसे आपने सुबह का खाना डाइजेस्ट ही नहीं किया, पूरी तरीके से आपकी ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही नहीं हुई, आपने तुरंत फिर दोपहर में या बीच में कुछ स्नैक कर लिया या कुछ बहुत ही हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खा लिया,
तो लगातार इस प्रोसेस को बिना बर्न किए उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अगर आप चलते रहेंगे, खाते रहेंगे खाते रहेंगे, तो आप डायबिटिक हो जाएंगे बहुत ही इजीली। और इसके लिए कोई स्पेशल ज़रूरी या आपको नेचुरल इम्पेयरमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ही गलती की वजह से आप डायबिटिक हो सकते हैं व्हेन इट इज़ अ टाइप 2 डायबिटीज़। सो जब टाइप की बात आई है तो लेट्स टॉक अबाउट द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ जो ब्रॉडली ब्रोकन डाउन है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो मैं इसको एक क्विक आपको एक रिव्यू देता हूँ इसके बारे में, ये क्या होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो प्रॉब्लम होती है ये जनरली बाय बर्थ होती है या बाद में नेचुरली डेवलप करती है। ये आपकी गलती से नहीं, ये आपकी वीक ऑर्गन की वजह से हो सकती है, जिस केस में इंसुलिन पहले से ही इतना वीक होता है कि वो एम्पल अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स जनरेट नहीं कर पाता है आपकी पैनक्रियाज। आपकी पैनक्रिया वीक होने की वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ ऑटोमेटिकली होती है बाय बर्थ। दे डू नॉट हैव एनी ऑप्शन देन ऑब्वियसली असिस्टिंग विद एक्सटर्नल इंसुलिन, क्योंकि ये लोग एम्पल अमाउंट जनरेट नहीं कर रहे हैं इसलिए इनको ज़रूरत है। बट इनको इंसुलिन की एक्चुअल में ज़रूरत है कि नहीं इज़ अ मैटर ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि जनरली जो टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं, पहली बात तो वो लोग ऑब्वियसली फूडी होते हैं, फूडी इन द सेंस एक्सट्रीमली स्वीट खाना पसंद करते हैं। स्वीट क्या कहूँगा मैं, सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट खाना पसंद करते हैं, वाइट ब्रेड, चीनी, किसी भी तरीके की मिठाइयाँ। तो जो चीज़ छोटा पैकेज बड़ा धमाका वाला होगा, यानी कि छोटा सा होगा और उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा या बहुत ज़्यादा शुगरी होगा, मीठा होगा, तो वो सारी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो आप टाइप 2 डायबिटीज़ के शिकार होंगे। एंड दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट आई से कि अपने आप होना, आपके ऑर्गन की वजह से, ये आपने इतना स्ट्रेस डाला है अपने पैनक्रियाज पे कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया है। सो इससे इसकी सबसे बड़े रीजंस क्या है, सबसे बड़ा रीज़न इसका है कि उल्टा पुल्टा खाना, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट वाले फूड जल्दी जल्दी कम इंटरवल्स के बीच कंज्यूम करना, जैसे कि आपने सुबह मान लीजिए कि एक जैसे आज कॉर्नफ्लेक्स इज़ नॉट वेरी हेल्दी, मैं उसके बारे में भी रिव्यू करूँगा, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा बहुत कम है और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। तो जो चीज़ें जैसे सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट की जब मैं बोलता हूँ तो उसका मतलब है जो चीज़ें आपकी बॉडी में इंस्टेंटली एब्जॉर्ब हो जाए, आपके पेट में ज़्यादा देर तक रहे ही ना, दैट फूड इज़ हार्मफुल फॉर यू। उस तरीके के खाने को आपको अवॉइड करना है, जिस चीज़ में प्रोटीन ज़्यादा होता है, जिस चीज़ में फाइबर ज़्यादा होता है, वो सब स्लोली डाइजेस्ट होता है, जिस वजह से आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं होता है। अगर आप अचानक से इंसुलिन को स्पाइक कर देंगे, मतलब बहुत सारा ग्लूकोज बॉडी में डाल देंगे, आपकी इंसुलिन को बहुत वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब इट। बट जब आपकी बॉडी सफिशिएंट ही नहीं है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, आपकी पैनक्रियाज उतनी फंक्शन नहीं कर पा रही है, उतना हार्मोन नहीं जनरेट कर पा रही है, क्योंकि बार बार आपने पहले इंसुलिन को स्पाइक किया हुआ है शुगरी खाना खा खा के या बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा खा के, उस वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है एट एनी एज। अगर एक इवन 8-10 ईयर्स के बच्चों को भी आजकल टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है, बिकॉज वो लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट, कैंडीज एक्सेट्रा खाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, मम्मी पापा भी उन्हें उतना नहीं रोकते हैं, रोकते भी हैं तो शायद वो नहीं मानते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स वाई इवन किड्स नाउअडेज हैव टाइप 2 डायबिटीज़। सो फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ आपको एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल तो जीना ही पड़ेगा, डजेंट मैटर आप इंसुलिन ले रहिए। लेकिन ये लोग जो है, अगर आप अपने खाने के प्यार को थोड़ा सा भी त्यागेंगे नहीं और इंसुलिन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो डाउन द लाइन आपकी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी, आपकी हीलिंग प्रोसेस कम हो जाएगी, आपको हेयर फॉल होगी, आपकी आईसाइट वीक हो जाएगी, कैटरैक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो अवॉइड थिंग्स दैट कैन कॉज यू टाइप 2 डायबिटीज़। व्हाट टू अवॉइड, जब अवॉइड की बात करते हैं तो आपको जो सबसे पहले अवॉइड करने की ज़रूरत है वो है एनी टाइप ऑफ शुगरी फूड, इस तरीके के फूड। शुगरी फूड में जब बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि चीनी ही होगा या मतलब कि मिठाइयाँ ही होंगी। वाइट ब्रेड हैज़ लॉट ऑफ शुगर, किसी भी तरीके का वाइट ब्रेड हुआ, जैसे कि नान हुआ, जो सिंपल ब्रेड नॉर्मल वाइट वाली आती है वो हुई, किसी भी तरीके की चीज़ जो आपके बॉडी में क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है उसको अवॉइड करें। क्विक एब्जॉर्बिंग थिंग्स आपको नहीं खानी है, उसको स्लोली स्लोली एब्जॉर्ब होना चाहिए।
ये चीज़ें जो होती हैं आपको बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है. सो प्लीज़ मेक श्योर यू अवॉइड दिस काइंड ऑफ फूड. सो वॉट कैन यू डू मोर देन दिस? अगर आपको है डायबिटीज़ तो आप उससे कैसे बचे और क्या क्या और अवॉइड करें, ये मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट में. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट शुड यू एक्चुअली अवॉइड? अवॉइड वाइट ब्रेड. बहुत ज़्यादा है हम लोगों के अंदर, जब भी हम लोग होटल्स वगैरह में खाने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वाइट ब्रेड खाते हैं. वाइट राइस और ब्राउन राइस में जो डिफरेंस बेसिकली होता है इसी चीज़ का होता है. वाइट राइस में फ़ाइबर्स की मात्रा कम होने की वजह से वो बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाती है. ब्राउन राइस में फ़ाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए लोग डॉक्टर्स आपको ब्राउन राइस रिकमेंड करते हैं ताकि जो डाइजेस्टिबिलिटी है आपके खाने की वो स्लो हो जाए, आपको ज़्यादा देर तक भरा रखे. अगर आप वाइट राइस खाएंगे तो वो आप क्वांटिटी भी ज़्यादा खा जाएंगे क्योंकि वो बहुत ही लाइट होता है और एब्जॉर्ब भी ज़्यादा होता है जो आपके इंसुलिन को स्पाइक कर सकता है. शुगर, एनी काइंड ऑफ शुगर, डायरेक्ट शुगर तो आपको खाना ही नहीं है, उसके बाद भी इनडायरेक्ट शुगर्स आप अपने जो भी खाना रेडीमेड ख़रीद रहे हैं, यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड चेक इट कि उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके कंटेंट को चेक कीजिए. सामान कभी भी फ्रंट मार्केटिंग देख के मत खरीदिए, उसको पीछे पलटिए, उसके इंग्रेडिएंट्स देखिए कि सही में वो जो हेल्दी क्लेम कर रहा है, डाइट क्लेम कर रहा है, वो डाइट है कि नहीं. मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा सो दैट आई कैन हेल्प यू गाइस टू नो हाउ यू शुड एक्चुअली परचेज गुड टू स्टे फिट. सो दूसरा आता है अल्कोहल. दिस इज़ द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल ईवल्स. ये तो बहुत ही ख़राब है. एनी काइंड ऑफ बियर, एनी काइंड ऑफ थिंग्स इज नॉट गुड. इफ़ यू हैव अल्कोहल और समथिंग, दिस इज़ गोइंग टू स्पाइक योर इंसुलिन, ही नहीं आपके लिवर, आपके पैनक्रिया, सब कुछ को ये डैमेज कर देगा. सो स्टे अवे फ्रॉम इट. उसके बाद जो पॉइंट आता है हम लोग का वो है ओवर ईटिंग. जब हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, टाइम के बीच में गैप्स नहीं क्रिएट करते हैं और एक के बाद एक खाना खाते रहते हैं तो तब भी इंसुलिन स्पाइक होती है. एंड प्रॉब्लम इज़ जब इंसुलिन स्पाइक होगा आपकी बॉडी वो फूड को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी, जिस वजह से आपके ब्लड स्ट्रीम में वही जो मैंने फर्स्ट में बताया ग्लूकोज ज़्यादा रह जाएगा एंड यू वोंट बी एबल टू यू नो यूज़ और यूटिलाइज दैट ग्लूकोज इन योर बॉडी. सो द नेक्स्ट पॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक इज़ हाउ यू कैन प्रिवेंट एंड क्योर, एंड लेट्स गेट विद आवर फाइनल पॉइंट ऑफ दैट. सो आते हैं हम लोगों के फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसके लिए शायद आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, दैट्स प्रिवेंशन एंड क्योर. किस तरीके से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं डायबिटीज़ को, किस तरीके से हम लोग वापस अपने इंसुलिन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए है कि जानना कि मैंने पहले ही कहा आपकी बॉडी उतनी इंसुलिन नहीं जनरेट कर रही है, तो हम लोग उसको थोड़ा कम फोर्स करेंगे टू वर्क. क्या करेंगे उसके लिए? ईट स्मॉल मील्स. छोटे छोटे क्वांटिटी के फूड खाइए, एक बार में प्लेट भर के 5 रोटी ऐसे मत खाइए. इवन लोग बोलते हैं रोटी ड्यूरिंग डायबिटीज़, रोटी भी आपको हार्म करेगी. आपकी बॉडी को वो हर चीज़ हार्म करेगी जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो. तो आपको क्या करना है कि अपने पूरे दिन के खाने को नंबर्स में ज़्यादा डिवाइड कर लेना है. जैसे कि अगर आप दिन में 3 बार खाते हैं तो भले ही 6 बार खाइए, बस उस मील्स को डिवाइड कर लीजिए. वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप एक बार में पूरा खाना डाल दोगे ना, अगर आपकी देखिए आपकी गाड़ी अभी पुरानी हो चुकी है, आपके जो पैनक्रियाज है वो थक चुकी है, उसको थोड़ा टाइम चाहिए, रेस्ट चाहिए टू सेट बैक. ऊपर से आपने इतनी मेडिकेशंस की है कि आपकी पैनक्रिया और डिपेंडेंट हो चुकी है उन मेडिसिंस पे. और अगर आपने नहीं की है, आप प्री डायबिटिक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से समझें और ये सारे चीज़ करें ताकि आपको मेडिसिंस की तरफ जाना ही ना पड़े. क्योंकि वंस मेडिसिन गेट्स इनटू योर बॉडी, इट्स ऑलवेज गोना सस्टेन. सो आपको फिर भी मेडिसिंस हल्की चलानी ही पड़ेंगी क्योंकि आपकी बॉडी का नेचुरल इंसुलिन प्रोडक्शन उस समय शट हो जाता है जब एक्सटर्नली आप लेने लगते हैं. तो शट ना भी हो तो कम हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी एक सर्टन लेवल तक कोई भी हार्मोन को जनरेट करती है. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अपने खाने को स्मॉल मील्स में डिवाइड कीजिए. थोड़ी देर बाद खाना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके इंसुलिन को भले ही रेस्ट तो देगी बट एक कंटिन्यूस फ्लो में रखेगी आपके पैनक्रियास को फंक्शन करने में, ताकि वो धीरे धीरे वापस रिकवर होकर स्ट्रॉन्ग हो. सेकेंड, एक्सरसाइज. जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड स्ट्रीम्स में है, आपकी बॉडी ग्लाइकोजन के थ्रू स्टोर की है, यूटिलाइज दैट ग्लाइकोजन, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन योर बॉडी टू एक्सरसाइज, टू वॉक. जस्ट एटलीस्ट वॉक फॉर 45 to 50 minutes a day, वेरी मच एसेंशियल इट इज़. सो यू शुड डू
एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, किसी भी तरीके की, सुबह जॉगिंग से लेके आप कुछ भी करिए, बट करिए ज़रूर, सिंपली मत बैठिए, दैट विल हार्म यू. देन कम्स फाइबर्स एंड प्रोटीन. फाइबर्स एंड प्रोटीन्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ हम लोग के डाइट में बहुत अवॉइड होती है. फाइबर ज़्यादा लेने से, प्रोटीन ज़्यादा लेने से, ज़्यादा मतलब क्या, जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट उतनी लेने से आपके खाने की डाइजेस्टिबिलिटी स्लो होगी. अगर आपके खाने की डाइजेस्टिबिलिटी स्लो होगी तो आप और अच्छे से अपने जो ग्लूकोज है बॉडी की उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे, आपके पैनक्रियास पे कम स्ट्रेस पड़ेगा. सो यू नीड टू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ फाइबर्स एंड प्रोटीन. प्रोटीन का वीडियो मैं ऊपर यहाँ पर लिंक कर दूंगा ताकि आप जान सके अच्छे से उसके बारे में, फाइबर्स के बारे में. इफ़ यू वॉन्ट कमेंट बिलो, आई एम गोना मेक अ डिफरेंट सेपरेट वीडियो फॉर इट. देन वी कम अपॉन टू बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड एल्कोहल एंड अदर एडिक्शंस. टोबैको, एल्कोहल, ये सब चीज़ आप डेडली है. मूवी स्टार्ट होने से लेके टीवी में हज़ारों बार ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये सही में डेडली है. इट इज़ गोइंग टू किल यू फ्रॉम इनसाइड, सो अवॉइड दीज. अगर आप ये कंटिन्यूस लेते रहेंगे तो सिर्फ पैनक्रियाज ही नहीं, आपकी सारी ऑर्गन्स बर्बाद हो जाएंगी. सो होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू जस्ट वर्क ऑन वेरी मच ओवर दिस. आपको डायबिटीज़ से बचाने के लिए ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएट था. अगर आप प्री डायबिटिक है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों से जो ऑलरेडी डायबिटिक है, और आप सो ज़रूर फॉलो करें ये सारी चीज़ें ताकि आप उस मेडिकल डिपेंडेंसी से या बाकी चीज़ों से बच के पहले ही अपने आप को संभाल ले. अपने आप को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सच सिचुएशंस. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लीव अ थम्स अप, लाइक करें इस वीडियो को और ज़रूर से सपोर्ट करें ताकि मैं और भी ज़्यादा और भी अलग अलग डिजीज़ लाइक ब्लड प्रेशर, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, देन अदर वेरियस डिजीज़ जो हम लोग के इसमें है बहुत ज़्यादा एंड वी जिसके बारे में हम लोग को सही से पता भी नहीं है, उन सब मिथ्स को ब्रेक करें, उन सब के बारे में एजुकेट हो और साथ ही साथ मैं आपको हेल्प कर सकूं थ्रू दीज डिफरेंट वीडियोस. एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो, यूज़ मिशन फिट नेशन ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक बेटर कम्युनिटी बिल्ड कर सकें, अब ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी सोसाइटी को और प्रमोट कर सकें. एंड दिस इज़ नील साइनिंग ऑफ, होप यू लाइक द वीडियो. जय हिंद.